अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाओ भाई घड़ी। तो ये है वॉच। हे गाइस, बैक टू बैक माय न्यू व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट जरूर देखें वन। तो शुरू करते हैं हमारे पार्ट टू की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमें इनाम में जो गिफ्ट मिला है वो, उनकी अनबॉक्सिंग और हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी वो सारी इस वीडियो। अभी आ रही है जो लेकर आ गई मस्त लगी ये भाई चिकू खाते ले रहे हैं। चिकू खाते पेप्सी पापी डॉल पेप्सी। ये कार भी है, ट्रक भी है, तो ले सकते हो आप। ये लो, कितनी अच्छी अच्छी मेले में यार, बहुत मजे। क्या नाम भैया आपका? रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी ने दुकान लगा रखी है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे बच्चों के मोबाइल फोन है, और ये है गंडी, और ये है। तो क्या ले रही है चिकू के लिए? चिकू के लिए पीएमटी। चलो ये लेते हैं कुछ बच्चों के लिए भी। दुकान पे देखो कितने अच्छे अच्छे पर्स आए हैं। क्या रेट के दिए भैया? 150 की दो। 150 की? 150 रुपए में दो पर्स आएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे एकदम डिजाइनदार पर्स है यहाँ, पूरा का पूरा एकदम से। ये 150 रुपए का एक पीस लगा रखा है, दिखा ना एक बार। ये लो, क्या विचार है कि लेना? लेना विचार है कि नहीं? क्या करें, पड़े दो पर्स है। हमारे अंकल जी भी ब्लॉग बनाते हैं और ये भी मेले में मिल गए, तो ये भी ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है, तो इनको भी सपोर्ट जरूर करें। और तो शाम को ये भी अपलोड करेंगे, तो उनका भी चैनल है। क्या नाम से आपका चैनल? जितेंद्र नायक मारवाड़ी। जितेंद्र नायक मारवाड़ी के नाम से इनका चैनल है। तो दोस्तों हमको भी जरूर लाइक देना दोस्तों, सब सब कुछ हमारा भी कोई चैनल बनाए। आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने के लिए, दुर्गा जी महाराज का मेला। एक बार जाके इनके चैनल पे विजिट जरूर करें। और ये हमारी फैमिली से ही है, ज़्यादा दूर के नहीं है, एकदम से नज़दीक ही है, अभी स्टार्ट किया है। और आप लोग सहयोग जरूर करें, जल्दी से जल्दी इनका भी बन के हैं वो स्टार्ट करवाएं और उनका चैनल को सहयोग जरूर करें। चलो आप इन्जॉय करते हैं, आप इन्जॉय करते हैं। सकते हो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ लगी हुई है, और यहाँ पे एकदम निकाली सकते हो समोसा है यहाँ। यहाँ पे भी देख सकते हो एकदम से पूरी तरह से ये क्रीम की दुकान है, लगाई गई है फूलों की दुकान। और ये भैया बेच रहे हैं। और भैया कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया हो, कैसी चल रही है दुकान? बस हल्का फुल्का चल रही है अभी। अच्छा, मेले का क्या रिएक्शन आपका, यहाँ का नज़ारा कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है क्या, मजा आ रहा है एकदम से? एकदम एकदम। अच्छा, कहाँ से हो आप? बनारस। बनारस, वाह वाह भाई, बनारस का तो वहाँ का कुछ नज़ारा ही कुछ अलग है। जाएंगे आपके बनारस का ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये बनारस से है भैया, जो बनारस के लोग थे, मेरा भाई है जो जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बनारस के भी यहाँ पे दुकान लगा रखी है एकदम से पूरी तरह से लगाई गई है एकदम से कपड़ों की दुकान। तो कपड़ा ले रही है के लिए नहीं, चिकू के लिए खुशी खातिर ले लें कोई तरह। तो सुमन है जो खुशी के लिए एकदम कपड़े ले रखने की बात कर रही है। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से कपड़े की दुकान भी है। और ये भैया बेच रहे हैं। कैसे हो भैया, क्या हाल चाल आपका? मस्त है, दुकान चल रही है बढ़िया वाली? ये यहाँ पे दुकान लगा रखेंगे। पास में ही है ये चूड़ों की दुकान, ये देख सकते हो अच्छे अच्छे चूड़ों की दुकान है, एकदम बढ़िया वाली दुकान है। और यहाँ का इनके पास में ही है देखो कितने अच्छे से खिलौने की दुकान है। क्या बात है भाई, गजब है। ये भैया बेच रहे हैं। और भैया क्या हाल है, मस्त है, बेच रहे हो एकदम से? ले लो, हाँ ये देख लो गाइस, आप भी ले सकते हो भैया, ऑनलाइन ऑर्डर करवा लो भाई, जिनको भी ये लेना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ये देखो ये पूरी सारी की सारी ये खिलौनों की चप्पल जूते की दुकान पूरी पूरी। ये देखो हर मेले में तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
और ये भैया पैसे तुम बेच रहे हो क्या? हाँ यहाँ पे भी दो दुकान लगाई गई है, पूरी कपड़ों की दुकान है। यहाँ पे फूलों की दुकान लगी गई है, जो फूल ले रहे हैं और एकदम से भैया बेच रहे हैं फूल। ये देख लो भाई, यहाँ पे फूलों की दुकान है पूरी की पूरी। लेंगे माजा और ये गिलास में रखी गई है यहाँ पे, अब हम ले लेते हैं यहाँ से और एक एक गिलास करते हैं रेडी, देखते हैं जबरदस्त। तो चलो करते हैं और सब बढ़िया वाली पियेंगे। देखो फूल की हर जगह फूल की दुकान है, यहाँ पे खिलौने की दुकान। इनका तो कितने बोल रहे, अभी हुआ नहीं, अभी ये लूँ वो लूँ कितना ले रखा, पूरा का पूरा पूरे दिन ये लूँ वो लूँ पूरे। तो बोलते नहीं कि बुराइयों के साथ आना डिफिकल्ट काम होता है, तो ये पूरा फ्रेश घूम लिए हैं पूरे मेले के अंदर और अब हम घर की ओर रवाना हो चुके हैं। घर में जाएंगे फिर से इंजॉय कर लिया। ये लोग पता नहीं बहुत सारे सामान लेके आ गए। क्या के खरीदो है? खरीदोगे कुछ भी बोल खरीदो, लेकिन खरीदना खातर आपने मना है देखिए खरीद लिया। अब जैसा करा घर पर जाके बहुत मज़ा आया मेरे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ ये बताएगी। खुश की वजह ये है तो ये देख लो, ये वॉच मिली आज, सम्मानित किया गया हमको। तो ये हमें सम्मानित किया था वहाँ पे जो हमारे मेला लगा था वहाँ पे फतेहपुर शेखावटी के अंदर। तो आज ये जो सम्मानित करने वाले हैं जिनका नाम है प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, जिसने हमें ये गिफ्ट दे के सम्मानित किया। तो कैसा है गिफ्ट, अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको। अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाओ भाई घड़ी। तो ये है वॉच तो बहुत सुंदर मिली है, मैं बांध लूं की? हाँ तो बांध ले दो, देखती हूँ मैं बांध के। वैसे तो मेरे बंद रही है घड़ी, तो दो दो घड़ी रखेगी। ये देख लो, ये देखो ये है, कितनी मस्त वाली है भाई साहब, गजब की। थैंक यू सो मच संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा मिलने के, उनको धन्यवाद। तो ये घड़ी सम्मानित की है तो मिली है, बहुत खुश है मैं। और मेलों में घूम के भी बहुत फुल एंजॉय किए गाइस। और नाव झूलों में भी झूले में हम, और ये चीज लेके दो तो ये फूल है और ये खुशी के लिए है और ये चीकू के लिए है। तो ये चीजें हमने, और ये दोनों टी शर्ट है दोनों के लिए, ये देख लो वहां से, ये भी हमने खरीदा है खुशी खातर और शिविका खातर ले रही। इतनी चीज ली हम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि घर अनुजा को छोड़ के गए, तो हम सोचे कि वो रोन, अनुजा का मतलब है चिकू। हाँ चिकू को मतलब छोड़ के गए तो वो रोन लग जाती थी, रोने लग जाती इसकी वजह से हम जल्दी आ चुके। और मेरे को तो जाते ही भाई साहब गिफ्ट मिल गया, तो मैं तो खुश हूँ एकदम से। तो आपको बताना कमेंट करके बताना भाई कैसी है ये मेरी घड़ी, निकालो। अरे जो इनाम होता है ना, इनाम ही होता है कुछ भी, इनाम चाहिए 1 रुपए का ही हो तो बहुत इनाम है। देखो कितनी क्यूट है ये, देखो भाई साहब गजब की। थैंक यू सो मच। तो ये देखो, तो ये प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा ये मेरे को गिफ्ट मिला है। ये गुंजनियां बजा रही है चिकू के लिए। और ये देखो गाइस प्यारा सा, ओ गजब है भाई साहब। और ये फूल है आपने देख लिए, कुछ भी नहीं लिया बस एकदम से इंजॉय किया, बहुत खाया पिया, एकदम जबरदस्त मेला था। और हर बार बढ़ता है ये महाशिवरात्रि को, तो फिर से हम आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो महाशिवरात्रि चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। कमेंट करके बताना मेरी वॉच कैसी है, ठीक है।